हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सोनी सिंह खुशी एक सबेरा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे रसमलाई केक, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पतीला लिया है और उसके अंदर मैंने आधा कप वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच दही ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 कप शुगर पाउडर ऐड कर लूँगी और हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल और शुगर अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसमें 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर लेते हैं। इन सभी को हम अच्छे से छान लेते हैं। मैदे को छानने के बाद अब मैं इसमें 2-3 इलायची ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद हम पहले इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी। ये जो हमने रसमलाई बना के रेडी किया था उसी का मिल्क लिया है मैंने। केक का बैटर रेडी हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है और मैंने इसमें अच्छे से ऑयल लगा के आटा डस्ट कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर केक का बैटर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से टैप कर लेते हैं। कढ़ाई को पहले ही मैंने 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है और मैंने इसमें एक स्टैंड रखा है, उसके ऊपर हम केक का बैटर रख देंगे और इसे कवर करके 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम केक को चेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक टूथपिक लिया है और उससे हम केक को चेक करेंगे। तो टूथपिक बिल्कुल साफ निकला है, यानी कि केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। ऐसे ही केक ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल चुका है। तो केक को हम बीच से काट लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट गया है और बिल्कुल भी नहीं टूटा है, तो हम इसके ऊपर से थोड़ा सा और लेयर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे रसमलाई वाला ही रबड़ी लिया है, अब हम इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर से व्हिप्ड क्रीम लगा लूँगी। व्हिप्ड क्रीम में मैंने हल्का सा केसर और हल्का सा फूड कलर ऐड किया है। आपको अगर फूड कलर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर दूसरा लेयर भी रख दिया है और उसके ऊपर भी मैंने रबड़ी लगा ली है और इसके ऊपर हम फिर से व्हिप्ड क्रीम लगा लेते हैं। काफ़ी गर्मी है, इस कारण क्रीम मेल्ट हो रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसे रेडी कर लेते हैं। क्रीम लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ कटे हुए पिस्ता लिए हैं और इसे हम साइड साइड से लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूखे रोज पेटल लिए हैं, तो इसे भी हम एक एक करके साइड साइड से लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्रीम से हल्का हल्का सा डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी के कारण क्रीम मेल्ट हो रहा था। अब मैंने केक के ऊपर रसमलाई रख दिया है। अब हम इसे और भी डेकोरेट करने के लिए मैंने बीच में यहाँ पे पिस्ता और बादाम लगा लिए हैं और थोड़े से रोज के पेटल भी रख दिए हैं। थोड़ी देर मैंने इसे फ्रिज में सेट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे बाहर निकाला है, तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम इसे कट करके देखते हैं। तो ये काफ़ी आसानी से कट हो रहा था, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।